थोड़ा लग रहा हूँ कि नहीं। पेट्रोल आना उधर बता दिया आ रहा है, पेट्रोल वाला कहीं भाग गया था। अभी हम लोग जा रहे हैं गाँव, और गाँव में एक खास चीज जो मैं देखने जा रहा हूँ एक्चुअली, आप लोग तो वहाँ पे चल के निकालते हैं। ये वैसे मैं आप लोगों को एक रिश्ता बताता हूँ इनका। इंसानों के जैसे रिश्ते होते हैं ना, इनका भी आपस में रिश्ता है। ये जो बड़ा वाला बच्चा है ना, ये और ये, वो भी खैर वॉननेस है। तो ये दोनों आपस में बहने हैं, और वो जो छोटी सी है वो उसकी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि गुज़श्ता व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया था जब हम लोग ये काश्तकारी कर रहे थे, यहाँ पे घास वगैरह उगा रहे थे और कुछ गंदम वगैरह भी उगा रहे थे। अभी खैर ये अभी आपको दिखाना है कि यहाँ पर ये सब कुछ उग गया है। ये देखिए इतना बड़ा हो चुका है। कितने दिन हुए होंगे? हफ्ता हुआ होगा एक। मैं बीच में व्लॉग्स नहीं डाल पाया बिकॉज मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। अभी भी मेरी आवाज़ से आपको समझ आ रही होगी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, कुछ फ्लो फेवर। खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे ब्लॉग्स में आऊँगा, कुछ स्टोरी टेलिंग भी होंगे उसके साथ। सबसे पहले सीन एंजॉय करते हैं। ये है मेरी भैंस, पहली भैंस जो थी हमने वो बेच दी थी, वो बेच के कुछ ऐसे समझो कि पैसों की ज़रूरत थी तो उसको बेच के फिर उससे कम कीमत वाली भैंस ली है। ये भी माशाल्लाह सील गरीब है। ये उसका छोटा सा बच्चा जो उसके साथ था, हमारी पहली भैंस जो थी उसके साथ में एक जो थी उसकी बच्ची थी, और ये उसका बच्चा है जिसको हम अपनी ज़बान में कट्टी कहते हैं, और ये है कट्टा। माशाल्लाह ये भी प्यारा है। छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना।